वेलकम गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। अरे मैं व्लॉग नहीं कहूँगा, इन्फॉर्मेशन वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली कल शाम को मेरी बुलेट की क्लच वायर टूट गई थी और बड़ी दिक्कत हुई थी, धक्का मार के लेके आया हूँ। तो अभी सुबह हो रही है, मैं उठ के जा रहा हूँ, सबसे पहले काम यही कर रहा हूँ। मेरा रन बहुत होता है बुलेट से, बहुत मैं इधर उधर भगता हूँ, क्लासेस देता हूँ। तो सबसे पहले जाके मैं बुलेट की वायर सीखवाता हूँ, और सेकंड थी मुझे सीखना भी है, मुझे आता है, मैं सीखना भी है, क्योंकि मैं थोड़ा प्लान कर रहा हूँ, थोड़ा ट्रिप करूँगा। तो क्लच वायर ऑब्वियसली बात है, पहाड़ वहाड़ों पे जाते थे टूटता ही है। हाँ, मैं पहाड़ वहाड़ों पे ट्रिप का प्लान कर रहा हूँ, तो मैं आप थोड़ा जाके मैं पहले वायर वायर लेके आता हूँ। मेरे पीछे एक भैया हैं, तो वो कह रहे थे मैं सिखा दूंगा मैं कैसे जोड़ते हैं। तो आप भी सीख लीजिए मेरे साथ, क्या कि ये बहुत ईजी होता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं। घर पर भी आप क्लच वायर ला कर जोड़ सकते हो, बना सकते हो, कुछ बाहर जाके लगाने की जरूरत नहीं होती। बुलेट का धक्का मारा कौन लेके जाएगा, तो आज हम वही सीखेंगे। तो आप चलिए मेरे साथ। ये मैं ले आया हूँ क्लच वायर, मुझे 110 की पड़ी है क्लच वायर। सेम ही है जो आप शोरूम पे जाके लगाते हो, वो भी यही लगाते हैं, बस पैकेज चेंज होता है। ये मेरा क्लच वायर टूट गया था। ये एक्चुअली जब होता है, जब आपका क्लच बहुत टाइट हो जाता है ना, प्रेशर लगता है, तब तो आपका एक क्लच वायर टूट जाता है। और कल ही मेरे साथ भी यही हुआ था, बिल्कुल अचानक से टक से ना टूटता, आवाज़ बहुत तेज आती है। और ये मेरी बूट की कंडीशन है, थोड़ा ये धूप में खड़ी होती है, तो इस वजह से ऐसे हो गया। इसको भी मैं क्लीनिंग करवाऊंगा। तो चलो चलते हैं, इसको ठीक करवाते हैं और थोड़ा सीखते हैं। ये बुलेट को धक्का मार के स्टार्ट करके ले आया हूँ मैं। इसकी भी टेक्निक होती है, बिना क्लच के बुलेट स्टार्ट हो जाती है। तो मैं लेके आ गया हूँ, आप चलो इस पर जाना मुझे। जैसे मैंने आपको बताया, ये क्लच वायर टूट गई थी, तो भाई बता रहे हैं कैसे यहाँ से पहले खुलना है ना। हाँ जी। अच्छा, ये बेसिकली मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लद्दाख लेके जाने वाला हूँ दिसंबर में, मेरा सीन है। तो पहले ही मैं जो भी काम है पहले सामने करके सीख रहा हूँ, कि मतलब बाद में प्रॉब्लम है। क्लच वायर तो नॉर्मल चीज़ है, आपका क्लच वायर टाइट हो जाता है तो ये ऐसे टूट जाता है। तो ये बता रहे हैं कैसे फिक्स करना है। यहाँ से खींच लेना है। अच्छा, सिंपल ही है, आपको यहाँ से खींच के डालना। ओह, ये तो कुछ ही नहीं है। जिम वाले भैया पहले मेरे जिम में करते थे, उनकी भी नई बाइक लेके आया हूँ। ये नहीं आ रहा है, यहाँ सब घुसाना है। क्यों लेगा बंदा, बेवकूफ़ी है यार लेने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। ये वायर यहाँ से घुसा के पीछे लेनी है, सिंपली। आप ये घर पे भी कर सकते हो, नॉर्मल कुछ नहीं है, आपको ऐसे वायर लेके आनी है, घुसाना है, लगाना है। बस मुझे इतना पूछना था यहाँ पर आके कि टाइट कितने रखना है, ये करना है, तो वो बता देंगे भैया अभी क्या सीन है उसका। टाइट चेक कर रहे हैं, हल्का रखना होता है या टाइट रखना होता है? हल्का रखना होता है ना, मीडियम, क्योंकि वही बुलेट वाला ज़्यादा टाइट कर देते हैं, ऐसा वाला इतना टाइट कर दिया टक से ना नहीं। आपके लिए हाँ, हो गया, सिंपल है। उसको आप 5 मिनट भी घर पे अगर टाइम निकाल सकते हो, अगर आप बुलेट धक्का मार के नहीं लेके आना चाहते हो तो आराम से जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि बुलेट का क्लच ज़्यादा टाइट ना हो, अगर आपका बेहाथ से अगर फोर्स लगाना पड़ रहा है दम से, तो आपका क्लच टूट सकता है। तो सिंपल एक फिंगर से या 2 फिंगर से अगर आपको बुलेट का क्लच दब रहा है, तो आपका सही है क्लच ये।
तो यही था ये वीडियो, बस नॉर्मल क्लच के बारे में बताना था। नॉर्मल क्लच आपके यहाँ से फिटिंग चालू होगी, यहाँ लग गया है सेट। तो यही था वीडियो, एक नॉर्मल सा ट्यूटोरियल कि क्लच वाला कैसे सेट करते हैं। बाकी बाइक है, मैं उसको थोड़ा धोने में देने जाता हूँ, क्लीन करवाता हूँ। तो मिलते हैं आपको अगली व्लॉग में, बाय बाय।